हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुनीता किचन व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आज की रेसिपी है वेज फ्राइड राइस। तो ये देखिए मेरा फ्राइड राइस कितना सुंदर लग रहा है। एक एक चावल अलग अलग लग रहे हैं और कितना कलरफुल लग रहा है। लग रहा है ना रेस्टोरेंट वाला फ्राइड राइस। तो चलिए इसको झटपट बनाना स्टार्ट करते हैं। वेज फ्राइड राइस बनाने के लिए हमें सबसे पहले बहुत अच्छे क्वालिटी का चावल लेना है। चावल अच्छा और महंगा होना चाहिए, मतलब पुलाव वाला चावल। चावल को हम 3-4 पानी से अच्छे से धो लेंगे। जब तक चावल से ये वाइट वाइट निकल रहा है तब तक इसको 2-3 पानी से धोना है और इसे हम 10 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख देंगे। इसे ज़्यादा देर के लिए हम भिगो कर नहीं रखेंगे क्योंकि चावल हमें खड़ा खड़ा बनाना है, पूरा 100% पकाना नहीं है। जब उबालेंगे उस समय हमको 80% या 90% पकाने के बाद हमको निकाल ही लेना है। तो ज़्यादा पक जाएगा, इसको ज़्यादा फुलोएंगे ज़्यादा देर तक तो ये थोड़ा गीला भी बन सकता है। तो इस चीज़ का हम ध्यान देंगे कि चावल को हम सिर्फ 10 मिनट फुलोएंगे, उसके बाद तुरंत इसको उबालने के लिए बैठा देंगे। ये फुलोने के लिए मैं पानी डाल दी हूँ। अब ये 10 मिनट के लिए हम फुलो के इसको रखेंगे, ज़्यादा देर नहीं रखेंगे। 10 मिनट के लिए हम चावल को भिगो के रख दिए हैं भिगने के लिए, और एक साइड हम पानी डाल दिए हैं पतीले में इसको उबालने के लिए, और नमक डाल रहे हैं, 2 चम्मच नमक डाले हैं। चावल को हम इस पानी में बॉईल करेंगे तो हम नमक इस समय डालेंगे तो ये पकने के साथ साथ चावल नमकीन बन जाएगा, मतलब इसलिए नमक यहाँ पर जरूर डालें, स्किप ना करें या भूल ना जाएं। और जो चावल हम 10 मिनट के लिए भिगो के रखे थे वो चावल हम इसमें डालेंगे, और बिल्कुल इसको छूने का मतलब वो ज़रूरत नहीं है, चावल टूट सकता है, हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। बीच में जैसे 5-7 मिनट हो जाता है उसके बाद ऐसे हल्का सा हिला के देखेंगे कि वो चावल अपने आप ही हो जाएगा जो हमें 80-90% चाहिए। उस हिसाब से जो हमें 90% चावल पकाना था वो पक चुका है, देखिए वो स्टेज में आ गया है। हम इसको अब छलनी से छानेंगे, एक्स्ट्रा पानी जो भी है ना सारा कुछ हम छलनी से निकाल देंगे और चावल को छलनी में रहने देंगे। छलनी में यहाँ पर जो गरम गरम चावल है उसके ऊपर हमें फ्रिज का रखा हुआ पानी डाल रहे हैं। नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं ठंडा करने के लिए ताकि चावल का कुकिंग प्रोसेस तुरंत रुक जाए। ये चाउमीन बनाने वाला ही प्रोसेस है, जैसे हम चाउमीन को उबालने के बाद पानी में ठंडा करते हैं और तुरंत प्लेट में लगा लगा के फैला देते हैं, बस उसी तरह 2 प्लेट में करके चावल को मैं यहाँ पर फैला रही हूँ। जैसे हम चाउमीन को उबाल कर ठंडा पानी में ठंडा करके तुरंत फैलाते हैं, बस ये वही प्रोसेस है। चावल को भी हम 2 थाली में करके इस तरीके फैला कर रखेंगे। सब्जी देख लेते हैं कौन कौन सी सब्जी कटेगी वेज फ्राइड राइस में, हमारे पास क्या है। सब्जियों में हमने पत्ता गोभी काटा हुआ है, बारीक काटा है, 4 प्याज काट के रखे हैं और सेम ही साइज से शिमला मिर्च काटा है, 2 गाजर काट के रखे हैं, बारीक बारीक काट के रखे हैं हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च को तड़के के लिए। कढ़ाई में हम रिफाइंड ऑयल यूज़ किए हैं। गैस के फ्लेम को करेंगे तेज़ यहाँ पर और सारा काम तेज़ आंच में करेंगे। ये रिफाइंड ऑयल को कढ़ाई में हम सब तरफ अच्छे से कोटिंग कर रहे हैं ताकि हम जब चावल भूजेंगे तो रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपके ना। ये नॉनस्टिक की तरह पहले हम पूरा तेल का कोटिंग कर चुके हैं। तेल गर्म हो जाने के बाद हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च जो बारीक काट के रखे थे इसको डालेंगे। ये सारा काम हम हाई फ्लेम पे कर रहे हैं और हाई फ्लेम में इसको हम मैक्सिमम 30 मिनट ही रखेंगे कि हमको सारी सब्जियां यहाँ पर डाल देना है। थोड़ा सा बस कलर चेंज हुआ है, देखिए ब्लैक नहीं हुआ है, ये हमको यहाँ पर सारी सब्जियाँ डाल देना है। बाद इसमें शिमला मिर्च बचाकर सारी सब्जियाँ डाल देना है सब, क्योंकि शिमला मिर्च जल्दी पक जाता है और गाजर को सबसे लास्ट में मतलब पकने में टाइम लगता है, इसलिए हम गाजर को सबसे पहले डाले हैं। और इसको 1 या 1.5 मिनट 1 मिनट तक तो ऐसे सॉटे करेंगे, पूरा हमको मतलब पकाना नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा सा तो होना ही चाहिए, लेकिन क्रंचीनेस नहीं जाना चाहिए। 1 मिनट तक इसको हम हाई फ्लेम पे ही सॉटे कर रहे हैं। और यहाँ 1 मिनट हो जाने के बाद हम इसमें जो बारीक काट के हम शिमला मिर्च रखे हुए थे, बारीक नहीं मतलब सेम साइज में काटे थे, उसको हम डालेंगे और आधा मिनट तेज आंच में इसको भूनेंगे।
यहाँ पर हम बटर का यूज करेंगे, कैसे रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आ जाएगा हमारे घर के वेज फ्राइड राइस में बटर का यूज करके। इस स्टेज में बटर यूज करने से बटर हल्का सा बर्न हो जाता है, जिससे स्मोकी टेस्ट आएगा हमारे वेज फ्राइड राइस में। तो इस चीज को बिल्कुल भी स्किप ना करें, यहाँ पर बटर जरूर यूज करें। बटर डालने के 1 मिनट बाद तक हम इसे भूंजे हुए थे। अब बारी आती है गोल मिर्च पाउडर की, चिली फ्लेक्स की और नमक की। तो चावल उबालते समय हम नमक डाले थे, इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ सब्जी के हिसाब से हम नमक को डालेंगे और डालने के बाद हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे। नमक डाल के 1 मिनट पकाने के बाद अब बारी आती है सोया सॉस की। तो मैं यहाँ पर 4 चम्मच सोया सॉस डाली हूँ। चिली सॉस डाल रहे हैं, यहाँ पर मैं 4 चम्मच ही चिली सॉस यूज की हूँ। आप रेड चिली सॉस यूज करें, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस यूज कर रही हूँ। फ्राइड राइस में रेड चिली सॉस परफेक्ट जाता है, कलर के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से। ग्रीन चिली का भी टेस्ट वही होता है, लेकिन मेरे पास नहीं है इस समय रेड चिली सॉस, इसलिए मैं ग्रीन चिली सॉस यूज कर रही हूँ। अब हम डालेंगे वेनेगर। वेनेगर को भी मैं 4 चम्मच, उसी चम्मच से 4 चम्मच वेनेगर डाल रही हूँ। इसे हम अपने सॉसेस को और वेनेगर को हम अपने टेस्ट के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि हमें किस तरीके का खाना है। मेरे फ्राइड राइस में 4 4 चम्मच के हिसाब से सॉसेस और वेनेगर एकदम परफेक्ट गया था, बहुत टेस्टी बना था फ्राइड राइस। लास्ट में हम डालेंगे चावल, जो 2 थाली में हम फैलाकर ठंडा करने के लिए रखे हुए थे, वो चावल है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर ठंडा है और हम अच्छी तरीके से मसाले में चावल को मिला लिए हैं। चावल को चलाने के लिए हम इस वाली करछी का यूज़ करेंगे, ये चीला बनाने वाली करछी है। थोड़ा सा यहाँ पर हमें नमक कम लग रहा था तो हम नमक बढ़ाए हैं। लास्ट में हम डालेंगे धनिया और अच्छी तरीके से मिलाएंगे, सबको एक साइड चलाएंगे, इस तरीके से मिलाएंगे, मतलब ऐसे जैसे मर्जी वैसे करछुल नहीं चलाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमारा चावल टूटे ना। पूरे मसालों को, हर चीज़ को अच्छे से मिलाएंगे। हमारा चावल एकदम तैयार है, बस अब एकदम हल्के हाथ से मिलाना ही बाकी है। हरी धनिया डालने के बाद हम 1 मिनट तक इसको ऐसे ही अलट पलट कर चला रहे थे। 1 मिनट हो गया है, देखिए मेरा फ्राइड राइस कितना सुंदर लग रहा है, बन गया है ना पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल का वेज फ्राइड राइस। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस, हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।